Physics revision of first chapter and that is basic mathematics. You guys want to see my notes, so मैं इसलिए अपने ये notes दिखा रही हूँ आप लोगों को कि like मैंने किस तरीके से अपने notes बनाए हैं and like जिस language में you are comfortable उस language में लिखिए. Like मैंने इस language में ये लिखा है कि horizontal line पे function change नहीं होगा but vertical line पे होगा. Just because revision time पढ़ना ये बहुत ज़्यादा आपको easily learn या फिर memorize करने में help करते हैं. एंड आपको शॉर्ट नोट्स में ना इस टाइप की चीज़ मेंशन करनी है लाइक साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमारा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इस टाइप की चीज़ें आपको करना है. लाइक मुझे ये चीज़ मैं भूल रही थी बार बार अगेन एंड अगेन दैट्स व्हाई मैंने यहाँ लिखा रिवाइज अगेन सो दैट मुझे ये याद रहे कि मुझे ये रिवाइज करना है. Left what I got doing in my way. Reppin' up the city I left, coming back, so much changed. I remember skating down Plainfield. Pop the cap, now we easy. Hey everyone, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. So, guys, I know this is going to be my third or fourth video on this topic, but I want to end this saga of backlog. That's why I decided to make the last video on this topic. And this video is especially on request of you people who mailed me personally, who messaged me regarding this, कि जो जो questions थे, I know जो अभी तक मेरी videos थी, उसमें ये सब questions cover up नहीं थे, that's the reason behind कि मैंने ये video बनाई है, and after that, I'm not going to make any video on backlog. As you know, exam is also approaching, so there's no point कि हम backlog ही करते रहें. Let's get started with the main video, जो इस video का topic है. So guys, मैंने अपना जो backlog है, मैंने 4 month का backlog, plus 2 month का जो मेरा continue चल रहा था, मैंने वो ऑलमोस्ट 2 month में अपना कवर अप किया है. सो मैंने किस तरीके से कवर अप किया है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको समझी बताती हूँ. मैंने
अपने जितने भी लेक्चर थे जो भी मेरे चैप्टर्स थे सबको नोट डाउन किया था एंड द सेकंड थिंग इज मैंने उनका टाइम ड्यूरेशन भी नोट डाउन किया एंड देन मैंने देखा कि हाँ मैं डे का कितना आवर उसको दे सकती हूँ और कितने डे में मेरा वो कवर अप हो जाएगा। मेरा टारगेट स्टार्ट हुआ था दिसंबर से एंड मेरा टारगेट जो एंड हुआ है वो फाइव के फर्स्ट वीक में कवर अप हुआ है। मेरा टारगेट था 15 जनवरी को कवर अप कर लेना बट फॉर सम पर्सनल रीजन मेरा नहीं हो पाया तो इट ऑलमोस्ट टुक मी अराउंड 2 मंथ की मैंने अपना बैकलॉग कवर अप किया बट उसके साथ जो मेरा रिसेंट में चल रहा था मैंने वो भी कवर अप किया। सो इन टोटल 6 मंथ का जो मैंने अपना जो सिलेबस है वो 2 मंथ में कवर अप किया। आप लोगों ने काफी मुझसे पूछा है कि जो नोट्स हैं जब आपने बैकलॉग किया वो नोट डाउन किए थे या पीडीएफ से किए थे। सो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं जो सर नोट डाउन कराते हैं तो उसमें मैं आप लोगों से एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया मैंने। फिजिक्स की बात बताती हूँ कि फिजिक्स में जो प्रीवियस क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि मैं बहुत लेंथी कैलकुलेशन या लेंथी कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करती थी या जो क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर में गलत हुए हैं मैंने सिर्फ वो नोट डाउन किए हैं और जहां मुझे लगा कि सर ने बहुत ईजी वे में उसको सॉल्व करा दिया उससे अलग जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उनको नोट डाउन नहीं करती हूँ। बट हाँ जो सर क्वेश्चन अपने कराते हैं वो मैं जरूर नोट डाउन करती हूँ विद सॉल्यूशन। एंड फॉर केमिस्ट्री मैंने कोई क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया प्रीवियस ईयर वाला जस्ट बिकॉज प्रीवियस ऐसे मैं उसको देख के सॉल्व कर लूंगी। यहाँ पर आप लोगों का काफी सारा ये क्वेरी होता है कि जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम पहले लेक्चर देखते हैं उसके बाद नोट्स बनाते हैं तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ सबसे जो बेस्ट वे है नोट्स बनाने का वो ये है कि जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है उसी के टाइम आप उसके नोट डाउन कर दें नोट्स। मैं इसके यहाँ पे बेनिफिट बताती हूँ जब आप नोट डाउन कर लेते हैं ना जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है उसमें आपका टाइम सेव होता है। सेकंड पॉइंट जब आप पीडीएफ से करते हैं ना बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो टीचर खुद बताता है बट वो लिखवाते नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं पीडीएफ करते टाइम आपको वो याद नहीं रहेंगे और वो आपके मिस आउट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं उसी टाइम ना आप पॉज कर लें और तब नोट डाउन कर लें। एंड केमिस्ट्री में तो पंकज सर एनफ टाइम देते हैं लेक्चर के टाइम पर ही अपने नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये था कि मैंने अपने नोट्स बनाए नहीं बनाए। अब थर्ड पॉइंट है कि मैंने उस टाइम कोई क्वेश्चन सॉल्व किए सी गाइस मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं लेक्चर के अलग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। जो क्वेश्चन टीचर लेक्चर ड्यूरेशन में कराते हैं मैंने सिर्फ वही किया था यार मैं उसको भी कवर कर लूंगी। मैं आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी सारी टीपीज को सॉल्व करने की सो दैट अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इस तरीके से कर रहा है वो भी उसको फॉलो कर सकता है। ये पॉइंट था। देन उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी हो जाती है तो आप ये कीजिए कि 1.5 या 2x की स्पीड पर लेक्चर को देख लीजिए बट आई विल नॉट एडवाइस दिस थिंग टू फ्रेशर एंड उनको जिनके कॉन्सेप्ट वीक है ये वही करें जो प्रॉपर है ऑलरेडी उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं या फिर ठीक है वो ही 2x की स्पीड पर देखें अदरवाइज कोई यूज नहीं रहता लेक्चर का देखने का अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ठीक है। तो ये पॉइंट था कि आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि मैं कैसे कवर कर रही हूँ। सो गाइस आई रिसेंटली परचेज नी फ्रेंकर टेस्ट सीरीज और मेरा उसको परचेज करने का रीजन यही था क्योंकि अभी जो हमारी क्लास में रिसेंट चल रहा है मैं बेट टू बैच फॉलो करती हूँ एक तो यकीन टू को और यकीन ड्रॉपर बैच को। यकीन ड्रॉपर से मैं फिजिक्स करती हूँ एमआर सर एंड देन यकीन ड्रॉपर जो हमारे यकीन टू है उससे मैं केमिस्ट्री करती हूँ। इस रमेश सर को फॉलो कर रही हूँ फिजिकल के लिए। सो उसमें जो टेस्ट चल रहा है वो रिसेंट का चल रहा है और मेरा पीछे का जो था ना वो काफी सारा था लाइक ऑलमोस्ट पूरी 11th एंड ऑर्गेनिक और वो इजिली कवर नहीं हो रही थी। उसको कवर करने के लिए मैंने नीट फ्रेंकर टेस्ट सीरीज परचेज की है जो मुझे 299 रुपीज में मिली है। मैंने वो इसलिए ली कि उसके जो टॉपिक है ना वो स्टार्टिंग से ही है और छोटे छोटे टॉपिक है तो उनके थ्रू ना मैं अपना जो पीछे करना है उसको कवर अप कर लूंगी। ये मेरा पॉइंट था टेस्ट सीरीज को लेने का। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है बस मेन पॉइंट यही था कि उस टेस्ट सीरीज के ही थ्रू मैं अपना पीछे का अच्छे से कर लूंगी। मैं अब जब टेस्ट का स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट टेस्ट में जो टॉपिक है उन सब की मैंने अच्छे से नोट्स एंड उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली है। ऐसे ही मैं कंटिन्यू करती रहूंगी सारे टेस्ट की तो उससे ना मेरी जो ये बैकलॉग वाले डीपीज है वो भी कवर अप हो जाएंगी एंड जब हमारे फोर्थ सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होंगे तब तक मेरा ये पीछे का भी कवर अप हो जाएगा। मेरी यही स्ट्रेटेजी है अपने पीछे की डीपीज को कवर करने की। सो अब यहां से एक और पॉइंट आता है कि आप जो क्या क्या चीज फॉलो कर रही हैं तो मैं सिंपल जो फिजिक्स वाला के लेक्चर्स होते हैं ना मैं नोट बनाती हूँ वो कर रही हूँ उससे अलग मैं डीपीपीज पे फोकस कर रही हूँ एंड द थर्ड थिंग इज प्रीवियस ईयर एंड फोर्थ टेस्ट। इससे अलग मैं किसी चीज को फॉलो नहीं कर रही हूँ यही बहुत एनफ है। अगर अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से एक बात बोलती हूँ कि अगर आप टीचर्स के नोट्स भी अच्छे से कर लेंगे ना फिजिक्स वाले के यू कैन इजिली स्कोर 600+ मार्क्स। तो ये पॉइंट था कि मैंने अपना 4 मंथ का बैकलॉग किस तरीके से कवर अप किया क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही और मैंने उस टाइम क्या फॉलो किया। इससे अलग कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं लाइक आप पूछते हैं कि उस टाइम ना आपकी जो जर्नी थी हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा मन नहीं लगता या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड फील हो जाते हैं। सो गाइस एवरीवन फील्स दैट सेम थिंग जो मैंने फील की आप भी फील कर रहे हैं आप जो फील कर रहे हैं वो मैंने भी फील की बट अगर आप डिटरमिन्ड हो अपनी चीज के लिए इफ यू हैव सम पर्पस इन योर लाइफ देन ये मैटर नहीं करता। मैं अपना बताती हूँ जब मैं लेक्चर कर रही थी मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील होता था ये मेरी आईज पे स्ट्रेन होता था आई स्ट्रेन के लिए मैं अपने स्पेक्स यूज करती हूँ और मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील होता था तो मैं अपना वो डे अपना याद करती थी जब एग्जाम देकर मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकली थी एंड आई रियलाइज कि मैंने कितनी ब्लंडर मिस्टेक की है एंड यू नो कि जब मैं अब यूट्यूब वैसे मैं ओपन नहीं करती हूँ बट मैं जैसे भी यूट्यूब ओपन करती हूँ तो देर आर सो मेनी चैनल्स जो स्टूडेंट अभी उनको कॉलेज मिले हैं वो अपने चैनल ओपन कर रहे हैं एंड देर शोइंग देयर कॉलेज तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। आई क्राइड अ लॉट ये देखकर मुझे उनके लिए नहीं कि मैं उनसे जेलस फील कर रही हूँ मुझे अपने लिए बहुत बुरा लगता है बिकॉज आई वाज आल्सो अमंग दोज स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिलता बट फॉर सम सिली मिस्टेक नहीं मिला। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक पॉइंट बोलना चाहूंगी इफ यू डोंट वांट टू बी इन द सेम सिचुएशन जिसमें मैं इस टाइम हूँ तो आप लोगों को टेस्ट मिस नहीं करने हैं बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। नो मैटर अपनी नॉलेज है नो मैटर आप कितने अच्छे से अपने नोट्स करके गए अगर आपके टाइम मैनेजमेंट में इश्यू है ना आप सेम सिचुएशन में आ सकते हो जिसमें मैं हूं। मैं ये आप लोगों से बोल रही हूँ आपको बुरा लग सकता है मे बी कि मैं क्या बोल रही हूँ बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से बता रही हूँ।
अगर मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना आता तो मैं अपने ओमैप के लिए थोड़ा और मैक्सिमम टाइम दे पाती और मैं वो ब्लंडर मिस्टेक नहीं करती जो मैंने की। इफ यू डोंट नो अबाउट माय नीट एग्जाम डे सिचुएशन जो हुआ, इफ यू आर माय न्यू सब्सक्राइबर यू कैन वॉच माय वीडियो, और वो मोनेटाइज नहीं है, डोंट वरी, मैं भी उसके लिए नहीं कर रही हूं, वो मोनेटाइज नहीं है। सो ये था मेरा आप लोगों को छोटा सा एडवाइस कि आप टेस्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट देकर ही आपकी टाइम मैनेजमेंट आएगा आप लोगों को। गाइस आई होप यू गेट योर आंसर कि मैंने कैसे अपना बैकलॉग कवर अप किया। एंड एवरीवन टिल फॉर दिस वीडियो, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, प्लीज गाइस कमेंट समथिंग पॉजिटिव सो दैट मैं भी आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। एनी वन मॉर्निंग इफ यू वांट टू नो कि मैं अपनी क्या रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूं, 1:8 रूल क्या है जो मैं अपनी रिवीजन के लिए अप्लाई करती हूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इनको किसी अपनी स्टडी ब्लॉग में ही एड कर दूंगी, अलग से मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसका रीजन है कि उस पर तो व्यूज नहीं जाते, उससे डिमोटिवेशन फील होता है क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम जाता है और मेहनत तो लगती है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि अभी मैं नीट एस्पिरेंट हूं क्योंकि नो मैटर यार किस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, बट एज अ नीट एस्पिरेंट मेरी एडवाइस को कोई सीरियसली नहीं लेता। इफ यू वांट टू नो द रूल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपनी अपकमिंग वीडियो जो हमारा चैलेंज चल रहा है उसी में एडअप कर दूंगी। एंड या गाइस बी द पार्ट ऑफ दिस चैलेंज क्योंकि हम 3 चैलेंज करने वाले हैं फॉर 3 वीक। और बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।